हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, कल ही एसएससी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आया था। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है एंड जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी आपको अभी माइंड में आपके आ रहा होगा कि इसका आगे का प्रोसेस क्या है, इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा, इसका जो भी डिपार्टमेंटल डीवी एंड बाकी जो भी आपका मन में क्वेरी है, अटेस्टेशन, मेडिकल वगैरह, सबका आज मैं क्वेरी आपका दूर कर दूंगा। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको हेल्पफुल तो लगेगी, डेफिनेटली आपको लगेगी। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरा भी एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है, एसएससी एमटीएस 2020 में। तो उस बात को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस बार का प्रोसेस काफ़ी फास्ट था एंड 5 to 6 मंथ्स में इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो मेरा जो एसएससी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आया था वो लास्ट ईयर के अक्टूबर मंथ में ही आया था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ भी नहीं हुए होंगे। तो यस, एंड बाकी अगर मैं अपने रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो जो मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया था एसएससी एमटीएस 2020 का, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये आया था 15 अक्टूबर 2022 को आया था मेरा। इसका फाइनल जो भी रिज़ल्ट था इसका 15 अक्टूबर को ही आ गया था। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके आगे का प्रोसेस जो था, तो अगर डिपार्टमेंट एलोकेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अक्टूबर 21 को ही, मतलब विद इन 7 डेज इसका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ गया था। मेरा केकेआर रीजन में सिलेक्शन हुआ था, तो केकेआर रीजन का 21 अक्टूबर को आ गया था। एंड यहाँ से अगर मैं आपको अपना नाम अगर शो करूँ तो आपको शो भी हो जाएगा विथ माई डिपार्टमेंट। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे नेम शुभम सिंह, मेरा रोल नंबर बगल में है, मेरा जो रैंक था 2927 था एंड जो मुझे डिपार्टमेंट मिला था वो CGHS बेंगलुरु मिला था। तो आगे मैं आपको शो करूँगा। बाकी जो मेरा डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ था वो विद इन 7 डेज के अंदर ही हो गया था। तो 21 अक्टूबर को मेरे डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद 14 नवंबर अप्रॉक्सीमेटली 23 to 24 डेज़ के अंदर मुझे अपने डिपार्टमेंट के तरफ से अटेस्टेशन फॉर्म एंड सब कुछ मेल आता है कि आपका अटेस्टेशन फॉर्म एंड ज्वाइनिंग डिटेल्स आपको सेंड कर दिया गया है। एंड बाकी आपको मैं शो करता हूँ, ये जो भी था उन्होंने उनके तरफ से आया था, प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड बेंगलोर जो भी है। बाकी यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ से एक्सेप्टेशन फॉर्म, ज्वाइनिंग डिटेल्स, मेडिकल फिटनेस फॉर्म एंड अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया था मुझे। बाकी ज्वाइनिंग डिटेल्स में क्या दिया हुआ था वो मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो ये रहा वो ज्वाइनिंग डिटेल्स वाला फॉर्म जो उन्होंने मुझे सेंड किया था एंड इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 14 नवंबर को आया हुआ था मुझे, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ CGHS बैंगलोर, योर कैंडिडेचर हैज़ बिन नॉमिनेटेड इन द स्टाफ सिलेक्शन बैंगलोर, जो भी है ग्रेड पे वगैरह दिया हुआ है। एंड उन्होंने मुझे एक डेट दिया था 9 दिसंबर 2022, इससे पहले मुझे उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए बोला हुआ था डिपार्टमेंट में। एंड क्या क्या लाने के लिए बोला था, विलिंगनेस टू ज्वाइन द फॉर्म जो मैं अभी आपको पीछे शो किया, देन अटेस्टेशन फॉर्म जो पीछे सेंड किया, देन मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म जो जो भी उन्होंने भेजा हुआ था मेल के थ्रू एंड मुझे भर के लाने के लिए बोला था, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी था सब कुछ आपको मेल में आ जाएगा अगर आप भी सिलेक्टेड हैं। एंड आपको भी जब डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आएगा तो ये सब कुछ वो फॉर्म भेज देंगे आपको एंड उसको बोलेंगे कि फिल करके ले आना। बाकी और भी EWS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ये सब मांगेंगे एंड बोलेंगे ये सब लेके आप वहाँ पे पहुँच जाना। बाकी जब आपका मेडिकल फॉर्म एंड अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा तो उसके ऊपर मैं फिर से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको आपका मेडिकल कंप्लीट करना है, अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, विलिंगनेस टू ज्वाइन द फॉर्म वो सब कैसे फिल करना, सब कुछ उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अभी आप हड़बड़ाइए मत, अभी आप वेट कीजिए अपने डिपार्टमेंट एलोकेशन का, देन जो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा आपको मेल के थ्रू जो भी फॉर्म मिलेगा, तो उसके बाद उससे पहले मैं आपका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये सब में मुझे कितना टाइम लग गया, ओवरऑल समरी अगर मैं बात करूं तो ये रहा वो फुल समरी मेरे एसएससी एमटीएस का फाइनल सिलेक्शन से लेके ज्वाइनिंग प्रोसेस तक का। फाइनल सिलेक्शन हुआ था मेरा 15 अक्टूबर को, डिपार्टमेंट एलोकेशन इधर मैं 6 नवंबर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट डेट में देते थे। तो जो लास्ट डेट
था जो कोई भी मतलब रीजन अपना डिपार्टमेंट एलोकेट किया था। वैसे तो मेरे 21 अक्टूबर को ही हो गया था, बट जो लास्ट जो डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ था मैं उसका डेट लिख दिया हूँ। लास्ट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सीआर रीजन का काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, सीआर रीजन में 3 to 4 months लग गए थे, बट एक्सेप्ट सीआर रीजन जो लास्ट डेट लगा था वो 6 नवंबर लगा हुआ था। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका विद इन 1 month सब कोई को डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका हो जाएगा। एंड इस बार तो मिशन मोड भी है, बाकी अटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल फॉर्म मुझे डिपार्टमेंट के तरफ से 14 नवंबर को रिसीव हुआ था। विद इन 1 month हो गया था मुझे जो भी अटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल फॉर्म, एंड फाइनल ज्वाइनिंग मुझे 9 दिसंबर से पहले रिपोर्ट करने के लिए बोले थे। मतलब 14 नवंबर से 9 दिसंबर के अंदर मुझे टाइम दिए थे मेडिकल एंड जो भी कैरेक्टर वगैरह सब कुछ को कंप्लीट करने के लिए मुझे टाइम दिया हुआ था। एंड 9 दिसंबर को ही बोले थे कि सब कुछ लेके आ जाओ, जो भी आपका वो है मेडिकल वगैरह है जो भी है सब कुछ लेके आ जाओ, एंड हम आपका डिपार्टमेंट डीवी एंड ज्वाइनिंग सेम डे के दिन कराएंगे। जो भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जितना भी डिपार्टमेंट है सब कोई का अलग अलग प्रोसेस है। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में मुझे बोला गया था कि आपका डिपार्टमेंट डीवी एंड ज्वाइनिंग दोनों साथ में होंगे, बट अदर डिपार्टमेंट जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोला गया था कि आपका पहले डिपार्टमेंट डीवी होगा, उसके बाद फिर आपको एक डेट दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, तो आप उसमें रिपोर्ट कीजिएगा। बाकी आपका भी आप मान के चल सकते हैं 15 अक्टूबर to 9 दिसंबर, मतलब विद इन 2 month आपका फाइनल ज्वाइनिंग आ जाएगा। एंड बाकी अगर आपको किसी को एक्सटेंशन लेना है, अभी आपको पता ही होगा मैं अभी तक ज्वाइन नहीं किया हूँ, मेरा फाइनल ज्वाइनिंग 9 दिसंबर को आ गया था बट मैं अभी तक ज्वाइन नहीं किया हूँ, अभी तक मैं एक्सटेंशन पे हूँ। तो बाकी मैंने कैसे एक्सटेंशन लिया एंड क्या कौन सा रीज़न दिया तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अभी आप नीचे चेक करेंगे तो पिंड लिंक में आपको मेरे एक्सटेंशन का वीडियो मिल जाएगा। एंड बाकी डिपार्टमेंट एलोकेशन कैसे होता है ये भी आपको डाउट होगा तो उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उसका भी लिंक मैं पिन कर दूंगा, दोनों वीडियो आपको पिंड लिंक में मिल जाएगा तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी आप यहाँ से ग्रुप डिवाइड हो चुके होंगे क्योंकि अब यहाँ से आगे का जो भी प्रोसेस है वो रीजन वाइज एंड स्टेट वाइज होने वाला है, तो सारे ही ग्रुप का लिंक मैं पिन कर दिया हूँ, यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा, केरला वेस्ट बंगाल जो भी है। तो यहाँ से आप ज्वाइन होके आगे का प्रोसेस अपने फेलो मेंबर्स से डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेरी होगा आप यहाँ से आपस में आप डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर कोई स्टेट का रह गया है तो मुझे डीएम कर देना, मैं उसका भी लिंक यहाँ पे पिन कर दूंगा। एंड बाकी कल ही टेलीग्राम चैनल पे 5000 मेंबर कंप्लीट हुए, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड सिलेक्शन के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देखने मिले, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया सबको को बोलना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा अच्छा कमेंट्स देख के भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और क्या चाहिए तुम लोग से, इतना काफ़ी है बस। बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखना, बाकी कोई डाउट होगा तो नीचे कॉमेंट डाउन कर देना, बाकी जितना मेरे से हो पाएगा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट, एंड जो भी मुझे पता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी आई होप दिस वीडियो वॉज़ हेल्पफुल टू यू, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।